भारत के सभी किसान भाइयों को कॉटन गुरु का सादर नमन। 2019 एक बहुत ही विस्मय कारक वर्ष रहा है, खास करके कपास के किसानों के लिए। 2019 वर्ष की शुरुआत में कपास के भाव गिरने शुरू हुए थे। 2018 में अंत में 6000 से 7000 रुपए प्रति क्विंटल कपास के भाव जो हो गए थे, वो 2019 में गिरते गिरते 4500-4700 रुपए तक आ गए थे प्रति क्विंटल, और किसानों को मजबूरी में कपास बेचना पड़ा था क्योंकि बहुत समय रुकने के बाद भी कपास के भाव नहीं बढ़ रहे थे। 2019 के वर्ष के अंत के थोड़ा समय पूर्व कपास के भाव बढ़ना शुरू हुए थे, लेकिन तब तक काफ़ी किसान कपास बेच चुके थे। और 2019 में एक और बात हुई, जून महीने में बारिश खासकर नहीं हुई, तो सोइंग लेट हुई, या जिनकी अर्ली सोइंग हुई, जिन्होंने जल्दी बुआई की थी, उनकी फसल को थोड़ा नुकसान हुआ। और अक्टूबर में, पूरे अक्टूबर महीने में भारत के सभी मेजर कपास केंद्रों में बारिश चालू रही। बहुत जोर शोर से बारिश रहने के कारण कपास की गुणवत्ता और कपास के फसल के उत्पन्न में भी इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। तो किसान भाइयों, आज MSP ऑपरेशन चालू है। आज मिनिमम सपोर्ट प्राइस से 5550 रुपये प्रति क्विंटल कॉटन कॉरपोरेशन इंडिया के भाव सबसे ऊंचे हैं। 15 नवंबर को जब हमने आपके साथ में वार्तालाप किया था, हमने महाराष्ट्र के सभी FPOs की एक मीटिंग औरंगाबाद में बुलाई थी, तभी हमने बताया था कि इस साल कम से कम 2 महीने तक आपको कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार को कपास बेचना पड़ेगा, क्योंकि तब भारत सरकार के न्यूनतम भाव में और निजी कंपनियों के भाव में 12-13% अंतर था। उसके बाद वो अंतर घट के 8% हुआ। आज वो अंतर करीब करीब मिट गया है। आज 2019 के अंत में आज वो अंतर नहीं सारा है। आज 5200 से 5300 रुपया प्राइवेट जीनर के भाव है APMC और 5550 रुपया CCI के भाव है। ये अंतर बहुत जल्दी मिट जाएगा किसान भाइयों, क्योंकि अब सीड के भाव अच्छे खासे बढ़ गए हैं। जिनके हुए सीड के भाव, जो जिसको हम बिनौले कहते हैं, उनके भाव अच्छे खासे बढ़ गए हैं। तेल के बाजार अच्छे हैं, तो जीनर अब कपास खरीदी करना शुरू रखेंगे और ऊंचे भाव में भी वो जीनिंग करने के लिए वो कपास खरीदेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। तो आगे चल के आपको दो चॉइस हैं। 2020 की शुरुआत में आप या CCI को बेच सकते हैं या फिर प्राइवेट जीनर को बेच सकते हैं। आगे का फरवरी मार्च के बाद का जो हाल है वो हम आपको कुछ दिनों बाद अपडेट करेंगे, लेकिन आज हम इतना बता सकते हैं कि कपास में मंदी अब नहीं है। और कपास में आपके पास जो गत 2 महीने सिर्फ एक पर्याय था सरकार, आज वो 2 पर्याय आपके सामने 2020 की शुरुआत में आएंगे, सरकार और निजी कंपनियां। कपास में दो चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है, कपास की गुणवत्ता और कपास का उत्पन्न यानी यील्ड। गुणवत्ता अब काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है, पर उसको अच्छी तरह से स्टोरेज करना है। हार्वेस्टिंग के टाइम पे, कटाई के समय आपको बहुत ध्यान रखना है। कचरा और पानी कपास के हार्वेस्टिंग के बाद के दुश्मन है, उससे आपके कपास के भाव में कम आपको पैसे मिल सकते हैं, आपको पैसे नहीं कटे, इसके लिए ध्यान रखना है। दूसरा है रोग। आज पिंक बॉलवर्म, गुलाबी इल्ली वापस से कपास में दिख रही है बहुत सारे सेंटर में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में और कर्नाटक में भी ये रोग हमें दिख रहा है। काफ़ी किसान भाइयों ने हमें फीडबैक दिया है, तो इसका ध्यान रखें, अपने खेत में पूरी नज़र बना के रखें। और जो तीड़ है, इंग्लिश में जिसको लोकस्ट बोलते हैं और हिंदी में तीड़ बोलते हैं, उसका प्रभाव हमें गुजरात में दिख रहा है, अफगानिस्तान में था, पाकिस्तान में आया और अब वो गुजरात तक आ गया है। वो अपने खेतों में आए तो उसके पहले आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए या मदद के लिए आप कॉटन गुरु पे भरोसा रख के आप कॉटन गुरु की टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 2020 के वर्ष के लिए आप सबको कॉटन गुरु की तरफ से बहुत बहुत शुभ मंगल कामना।